सचखंड श्री हरिमंदर साहब च बीते दिन हुई बेदबी की घटना ने जिथे सिखा के दिलों बुलंद के रख दिता उथे ही बेदबी के दोषी संगत वालों मौके पर पार बुला देने लैके कांग्रेस के एक आगू के बयान ने विवाद छेड़ दिता। इंडियन नैशनल कांग्रेस के बुलारे तो राज्यसभा मैंबर अभिषेक मनु सिंह भी ने ट्वीट करके जिथे बेदबी की घटना की निंदा की उथे ही संगत वालों दोषी कुट कुट के जानों मार देने की घटना उस तो वध भयानक दसिया। इस दे नाल ही सिंघवी ने अधिकारियों को अपील की कि कानून अपने हाथ च लैण वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई और मिसाली कार्रवाई की जाए। सिंघवी दे इस ट्वीट से लोहा लाखा होए दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिंघवी ना सिर्फ मोड़वा जवाब दिता सगो 1984 की गल करदिआं कांग्रेस को खरिया खरिया भी सुनाईआं। मैं अभिषेक मनु सिंह जी ने एक ट्वीट देखा जिहड़ा श्री दरबार साहब से हुए इस बेदबी कांड नूं दोवें दरोगा की गल कर रहा है, दोवें पासे चल रहा है। सरकार कांग्रेस की इन्हों की, मुख्यमंत्री इन्हों का, पुलिस इन्हों का, फेलियर इन्हों का, सीसीटीवी इन्हों के कोल, और उसके बावजूद ये बेदबी कराई गई और हुण सानू मारन दी गल्लां कर रहे हैं। हुण कह रहे हैं कि उन्हें लोगों चुक के जेलों बंद करो। किन्ने रोकिया से तुहानू इंसाफ देने तो, किन्ने रोकिया से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी इन्नी हुई बेदबियां दे लोगों जेलों च रुक जाने तो, किन्ने रोकिया से तुहानू उन्हां नूं सजावां देने तो। 1980 के उही दशक जो गांधी परिवार का सी, पहला गुरु धामां दी बेदबी कराओ, सिखां नूं गुस्सा दवाओ, उत्तेजित करो, फिर इंसाफ ना लैण दिओ और फिर अत्तवादी पेंट करके उन्हां नूं मारन का काम करो। कांग्रेस उसे राह से चली है। सरकार बनाउण वास्ते कांग्रेस फिर पंजाब नूं अग दे हवाले करेगी। मैं पंजाब नूं और देश के लोगों को सुचेत करना चाहुंदा, जरा देखो इसका ट्वीट और तुहानूं पता चलू किस तरह दोवें पासे चल रहा है और इहदा परपस की आ। इहदा परपस हुण बेगुनाह लोगों को मरवाउणा है ताकि पंजाब के हालात को बिगाड़िया जा सके और सरकार बनाउणा इहनां दी मंशा है। लोग भावें किन्ने भी मर जाण, सरकार इहनां दी बणी उस सोच नाल चले ने जिहनूं आपां मिल के सब ने फेल करना बहुत जरूरी आ। मैं अभिषेक मनु सिंह जी ने एक ट्वीट देखा जिहड़ा श्री दरबार साहब ते होए इस बेदबी कांड नूं दोवें दरोगां दी गल कर रहा है, दोवें पासे चल रहा है। सरकार कांग्रेस की इन्हों की, मुख्यमंत्री इन्हों का, पुलिस इन्हों का, फेलियर इन्हों का, सीसीटीवी इन्हों के कोल, और उसके बावजूद ये बेदबी कराई गई और हुण सानू मारन दी गल्लां कर रहे हैं। हुण कह रहे हैं कि उन्हें लोगों चुक के जेलों बंद करो। किन्ने रोकिया से तुहानू इंसाफ देने तो, किन्ने रोकिया से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी इन्नी हुई बेदबियां दे लोगों जेलों च रुक जाने तो, किन्ने रोकिया से तुहानू उन्हां नूं सजावां देने तो। 1980 के उही दशक जो गांधी परिवार का सी, पहला गुरु धामां दी बेदबी कराओ, सिखां नूं गुस्सा दवाओ, उत्तेजित करो, फिर इंसाफ ना लैण दिओ और फिर अत्तवादी पेंट करके उन्हें मारन का काम करो। कांग्रेस उसे राह से चली है। सरकार बनाउण वास्ते कांग्रेस फिर पंजाब नूं अग दे हवाले करेगी। मैं पंजाब नूं और देश के लोगों को सुचेत करना चाहुंदा, जरा देखो इसका ट्वीट और तुहानूं पता चलू किस तरह दोवें पासे चल रहा है और इहदा परपस की आ। इहदा परपस हुण बेगुनाह लोगों को मरवाउणा है ताकि पंजाब के हालात को बिगाड़िया जा सके और सरकार बनाउणा इहनां दी मंशा है। लोग भावें किन्ने भी मर जाण, सरकार इहनां दी बणी उस सोच नाल चले ने जिहनूं आपां मिल के सब ने फेल करना बहुत जरूरी आ। दस दईए कि बीते दिन सौदा रैरास दे वेले एक नौजवान सचखंड श्री दरबार साहिब दा जंगला टप के गुरु ग्रंथ साहिब तक पहुँच गया तो श्री साहिब चुक ले, जिस तो बाद संगत ने उसनों कुट कुट के जानों मार दिता। दिल्ली तो कमल कुमार कांसल की रिपोर्ट, दर्शन टीवी।